छाती कन्ने लाई ऐ तरोड़िया। और जेडे साडे डोगरी दे लोग गीतरू जने अस आखने आ ग्राएं दी, ये गायकी जेडी है साडे रामनगर दी गायकी है। चुल दे बंज ते वख दे यार, रोंदे गबरू ते मोटे यार, जो बन तारेंदा। तो यार आज करण भैया की दुकान पे एक अंकल आए हुए थे। स्पेशली मैंने बोला यार अंकल एक गाना सुना दो, डोगरी फोक सॉन्ग गाते हैं और बढ़िया सॉन्ग गाते हैं अंकल, एक बारी सुना के बता दो यार अपने तरीके से। तो चलो बड़ा अच्छा है कि मेरा जो नाम ओम प्रकाश शर्मा है, मैं एक रेडियो कोला बी हाई ग्रेड है मेरा। और जेडे साडे डोगरी दे लोग गीतरू जने अस आखने आ ग्राएं दी, ये गायकी जेडी है साडे रामनगर दी गायकी है। तो रामनगर तहसील च जेडे लोग न अपने ग्रुपें च, उन्हें उस गीतरुएं गी भाखें गी कारकें गी घोड़ियें गी सुहाग मता सारा साड़ी बधाएं जेडियां डोगरी भाषा च न। तो कुतै नहीं कुतै जाइए अस अपने उस भाषा की पेश करने आ। तो लाओ हुण तुहाडे सामने मैं डोगरी दा गै जेहड़ा साडे गीतरू जने अस आखने आ वो मैं तुसें ओहदे कोई चंद बोल सुनागा, ओहदा तुसें आनंद लेना। क्योंकि जिस वेले अस अपने ग्रां पहाड़ें च कुतै कम करा रहे होने उस वेले अस चीज़ की इन्हें गाने ते लोकें तक अस उस चीज़ की पहुंचाने। तो ये बोल जेहड़े न पहाड़े दे न रुखे बूटे दे न। चुल दे बंज ते वख दे यार, रोंदे गबरू ते मोटे यार, जो बन तारें दा वो बसना पहाड़ें दा। चुल दे बंज ते वख दे यार, रोंदे गबरू ते मोटे यार, जो बन तारें दा वो बसना पहाड़ें दा। मुकद चैत्र आई बसाखी, चल चल चै फसले दिया राखी। मुकद चैत्र आई बसाखी, चल चल चै फसले दिया राखी। खुंबे चुलने कैंथ दे डाले, आऊं रागा तू कड्या खाले, जो बन तारें दा वो बसना पहाड़ें दा। चुल दे बंज ते वख दे यार, रोंदे गबरू ते मोटे यार, जो बन तारें दा वो बसना पहाड़ें दा, वो जो बन तारें दा वो बसना पहाड़ें दा। अंकल मजा आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अंकल को सुन तो लिया होगा, ये अंकल ने गाना गाया है और क्या गाना। ऐसे फोक सॉन्ग्स आजकल मिलते कहाँ हैं, मिलते बड़ी मुश्किल से, वो भी गांव जाओगे तो आपको सुनने को मिलेंगे बढ़िया सॉन्ग्स। आओ एक और डोगरी दा गीतरू मैं थोड़ा सामने पेश करने लगा। जिस वेले कुसे कन्ने अपना कोई दिल लगता हुंदा, दिल लगने को बाद दिल टुटदा है, किस तरीके ने टुटदा है ओहदे उपर ये बोल न। फुल छाती कन्ने लाई ऐ तरोड़िया, गल्लें दी फराटी छोड़ दे। फुल छाती कन्ने लाई ऐ तरोड़िया, गल्लें दी फराटी छोड़ दे। पुछिया में मालणी गी बंदे बागे बोण दे, पुछिया में मालणी गी बंदे बागे बोण दे। कुंगली बरसाए सह बूटे गी मठोण दे, कुंगली बरे साए सह बूटे की मठोन दे। तो सह आपू रुड़िया सही किसी रोड़िया, गलें दी फराटी छोड़ दे। तो सह आपू रुड़िया सही किसी रोड़िया, गलें दी फराटी छोड़ दे। फुल छाती कन्ने लाई ऐ तरोड़िया, गल्ले दी फराटी छोड़ दे। वाह वाह बढ़िया बढ़िया। अंकल आपका यूट्यूब चैनल है वैसे? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है, यूट्यूब चैनल भी है, तो फेसबुक में भी है, इंस्टाग्राम में, बच्चे चलाते हैं, मुझे तो इसकी इतनी जानकारी नहीं है। अभी मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने हिंदी में पूछा नहीं, तो हमारी भाषा डोगरी है। डोगरी का गाना, डोगरी का खाना, डोगरी का पहनना। देखो मैंने कुर्ता पजामा डाला हुआ है, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जी कुर्ता पजामा डोगरी लिबास है। तो डोगरी भाषा में अगर गाना होगा तो उसमें हमें कुछ ना कुछ लोगों को दिखाना भी पड़ेगा। तो ये जो मेरा फोक है, कल्चर है, ये तो मैं रेडियो दूरदर्शन से जुड़ा हूँ। बाकी हमारी डोगरी भाषा में जो पगड़ी आती है, तो पगड़ी आपको पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी पगड़ी पहनाने के लिए मुझे गवर्नमेंट कल्चर अकेडमी की तरफ से विजयपुर में भेजा गया था। अभी 26 जनवरी में गवर्नर जी को जो एलजी साहब को पगड़ी डली थी, वो भी मेरे हाथों ही बनी थी और मैंने ही उनके सिर के ऊपर वो रखी थी।
और बांधी थी, तो वो एक मेरी पहचान है, पगड़ी और डोगरी फोक आर्टिस्ट गीतरू और भाग घोड़ घोड़ियाँ तो सुहाग विदस्त है सुहागे का। अगर मैं थोड़े कन्नै गल कीती तो फिर जो सुहाग नहीं सुनागा तुसें आखना कि नहीं सुहाग होंदा की है, तो सुहाग यह है कि जिसले कुड़ी दे घर जिहड़ा ब्याह हुंदा वो रचांदे ते कुड़ियां दे घर सुहाग आए जांदे ने, जिहड़े जागत होए उनके घर घोड़ियां। तो मैं कुड़ी आले दा पासा तुसीं कोई दो बोल सुनागा, जिसले हुण अपने घर ज्यादा टाइम गुजारा हुंदा 20-25 साल तक कुड़ी अपने प्योके रहिंदी है, तो उत्थों दे असीं रुख बूटे बोलियां अपने माइका अपने जिहड़े रुख जिन्ने भी उत्थों दे कोई चीजां हुंदियां सारियां असीं चेता आउंदियां ना। तो क्या आखदी माँ ते धी दी कि एक ऐसा संबंध हुंदा कि माँ उसी धी की आखदी बच्चा तू हुण सोहरे घर जाना है, तो किस तरीके ने आखदी है तो उसी प्योके आले पासे दे सारी चीजें की चेता करदी है, चेता करिए किस तरीके ने वो गांदी है। हाँ इने पिपलां दी ठंडी ठंडी शां माए मैं सोहरे नहीं जाना, इने पिपलां दी ठंडी ठंडी शां माए मैं सोहरे नहीं जाना, आऊं रोई रोई के आऊं रोई रोई के दुखड़े सना माए मैं सोहरे नहीं जाना, आऊं रोई रोई के दुखड़े सना माए मैं सोहरे नहीं जाना, माए मैं सोहरे नहीं जाना। वाह वाह बढ़िया बढ़िया अंकल, थैंक यू आपका मुलाकात करने के लिए, शुक्रिया जी। शुक्रिया, ऐसे गाते रहें और सबको एंजॉय करते जाएं। कोई बात नहीं, देखो आप जैसे लोग मिलेंगे बढ़िया कुछ ना कुछ हम गुनगुनाएंगे, लोग दो लोगों तक पहुंचाएंगे और कोई सुनेगा अच्छा लगेगा, जो भी सज्जन मित्र होगा उसको सराहना करेगा, जो दूसरा होगा तो वो बोलेगा हो सकता पता नहीं कहीं पागल तो नहीं हो गया ऐसे दिन को गा रहा है, लेकिन ऐसा हमारी कला है कल्चर है कहीं भी गा सकते हैं। बढ़िया बढ़िया, सोते समय गाना है, जागते समय गाना है, चलते फिरते गाना है, तभी तो ये कल्चर जिंदा रहता है और लोगों तक तभी पहुंच सकता है, अगर बीच वाली जो चीज बाहर निकलेगी तभी लोगों को पता चलेगा कि नहीं गाने के लिए स्टेज ही नहीं चाहिए। अगर मैंने मुझे जो मैंने सीखा है तो मुझे रोड में खड़ा होकर बोलोगे मैं उधर भी गाऊंगा, जितनी भी आप मुझे बोलोगे वो ही होता है। ये नहीं है कि मुझे मरा मैंने गाना है, मेरे लिए एक माइक चाहिए, मेरे लिए लोग चाहिए, मेरे म्यूजिशियन चाहिए, उसके बाद मैं गा नहीं सकता जी, क्योंकि वो हम लोग नहीं है, क्योंकि हमारा काम है जिधर भी कोई आएगा उधर ही जो मैसेज होगा वो लोगों तक पहुंचाना, जो तो जो गीत संगीत जो है एक मैसेज है कि हमारे गांव में जो घटनाएं घटती थी जो पैसे वाले लोग हैं उसको दबा लेते हैं, ठीक है मजार्टी वाले जो लोग हैं उनके सामने को बोल नहीं सकता, लेकिन जो संगीत वाला है ना वो कहीं उसको मंच मिलेगा, कहीं भी रोड मिलेगा, कहीं लोग को लोग मिलेंगे उनके सामने वो चीज लोगों तक पहुंचा देगा, उसे मैसेज मिलता है कि नहीं ये समाज में होता था। तो शुक्रिया मता मता आपका, थैंक यू, जय डुगर जय डोगरी।